है जी। अच्छा, अगर हम फर्स्ट चैप्टर में आए अली शुएब, तो फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पहला बनता है अकॉर्डिंग टू आवर एआरपी, दैट इज कंपाउंड्स एंड इट्स टाइप्स, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और उसकी जो टाइप्स हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर ये पूछा गया है। ये जैनी तौर पे लोअर बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन जो दूसरे बोर्ड हैं जैसे डीजी खान हो गया, मुल्तान बोर्ड हो गया, इस तरह के जो बोर्ड हैं उनके अंदर ये पूछा गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर का जो डिफरेंस है, वो कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस ये दो तरह से पूछा गया है बोर्ड के अंदर। एक तो एनी फाइव डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, दूसरा ये कंप्लीट भी पूछा गया है, दोनों तरीके से। कहीं पे 5 पॉइंट पूछे गए हैं 4 मार्क्स के, कहीं पे पूरे पूछे गए हैं 4 मार्क्स के, तो ये दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो लास्ट पे है हमारा मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स, कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं, ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर पूछा गया है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया, लोअर बोर्ड में भी आया हुआ है काफ़ी दफ़ा। तो जैसे कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस इम्पोर्टेंट है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और होप सो इंशाल्लाह कि इन्हीं में से आपका अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से आएगा एक। उसके बाद अगर हम आए सेकंड चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर में हमारे पास स्टार्ट होता है एलपी, दैट फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, उसका रिजल्ट्स, ये सारी आपने जो है वो लिखनी होगी, और इसके जो डिफेक्ट्स हैं, इसके जो डिफेक्ट्स हैं वो अगर तो पूछे जाते हैं, वैसे ये पूछे नहीं जाते, ये अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो अगर तो पूछे जाते हैं तो वो भी आप साथ लिख सकते हैं, अगर जैनी तौर पे नहीं पूछे गए तो वो डिफेक्ट्स एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आप अलग से लिख सकते हैं उसको, अदरवाइज ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो बोहर है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, रदरफोर्ड से भी इम्पोर्टेंट है बोहर, ये दूसरा क्वेश्चन है बोहर एटॉमिक थ्योरी। और तीसरा जो है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 2015 से पहले पहले जितने भी पेपर्स हैं लाहौर बोर्ड में, फैसलाबाद बोर्ड में, ये वहाँ पे देखा गया है, वहाँ पे काफ़ी दफ़ा ये आता है, लेकिन चूंकि सिलेबस आपका प्रिसाइज है तो इसके अंदर अमूमन वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई एक आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनमें से कोई दिया जा सकता है आप, और कहा जाएगा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप वो लिख सकते हैं 1s2 वाली, 2s2 ये वाली, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसके बाद अगर हम थर्ड चैप्टर में जाएं तो थर्ड चैप्टर में हमारे पास प्रीवियस स्कीम के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन में था चैप्टर, लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनते भी हैं, और उसकी वजह इस दफ़ा इसमें से मुझे लग रहा है कि बनेगा, बिकॉज कि वो हमारा जो चैप्टर था सॉल्यूशन, उसमें से जब बनता था तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो टॉपिक्स है वो इस दफ़ा नहीं इंक्लूड किए गए, उसके अंदर सिर्फ शॉर्ट से सिलेबस रह गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें से आएगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो वो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मेजर फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके बुनियादी फीचर्स क्या हैं, ये हमारा पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट है,
आयनाइजेशन एनर्जी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आती है, उसके अंदर एमसीक्यूज भी बनते हैं और उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कम पूछा जाता है उसको। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसका ट्रेंड पूछा जाता है, ट्रेंड इसका दिया गया है आपकी बुक के अंदर, आप देख सकते हैं। ये था इस तीसरे चैप्टर में से। उसके बाद अगर हम जाएं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के अंदर है हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले शुरू में ही है वो आयनिक बॉन्ड है एंड कोवलेंट बॉन्ड है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये तीसरा क्वेश्चन है, और चौथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है जितना ये है। और उसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आती है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, उसमें अगर हम देखें तो उसके जो पहला पोर्शन है गैसेस, उसमें से जो गैसेस के लॉज हैं जैसे कि बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंस से, ठीक है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है बॉयल लॉ एंड चार्ल्स लॉ, इनमें से एक ज़रूर आएगा, अगर इनमें से नहीं आता तो ये जो नेक्स्ट तीन है इनमें से एक आने वाला है, दैट इज वेपरेशन, वेपरेशन के साथ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट, ये पांच क्वेश्चन है, इनमें से एक लाजमी आएगा, कहीं नहीं जाने वाला एक इनमें से एक। ये था चैप्टर नंबर 5। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें, 6 के अंदर वो लॉन्ग क्वेश्चन जो आते थे वो अब चले गए, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ना बने, लेकिन कुछ हैं जो बन सकते हैं, बना मतलब कि उसको खींच खूंच के बना दें, वो है परसेंटेज, जो कंसंट्रेशन यूनिट है परसेंटेज, उसके अंदर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय मास है, मास बाय मास है, एंड इसी तरह वो जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और एक और भी है जो बन सकता है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को पतला करता है वो, उसका विद न्यूमेरिकल विद एग्जांपल वो आपसे पूछा जा सकता है। ये दो बनते हैं, लेकिन इसमें आई होप के इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी चूंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन थे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वो आपकी अब नहीं है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी नहीं है, तो अल्टीमेटली इसमें वो लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। एंड नेक्स्ट इज 7 चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आते भी हैं। उसके अंदर पहला जो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रूल्स वो आता है, ये इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं जनरली तौर पर, इट्स टाइप्स जो हैं स्ट्रॉन्ग वीक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। इससे पहले एक क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर आया हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अगर हम चलें तो कुरोइन एंड इट्स प्रिवेंशंस, ये एक अलग क्वेश्चन है, कुरोइन क्या होती है उसकी प्रिवेंशंस, उसके अंदर वो हमारी रिमूवल ऑफ स्टेन, ग्रीजिंग, पेंटिंग, अलाइंग, ये क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि क्रोइन क्या है और इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसके नीचे रस्टिंग ऑफ आयरन एक अलग सेक्शन है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, कैसे होती है, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के अंदर पूछा गया है, लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है, फैसलाबाद, रावलपिंडी, ये इसी इन बोर्ड के अंदर आया हुआ है, गुजरांवाला में भी आया हुआ है।
तो ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में इतना ही है, और जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर सारे के सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, और उसके MCQs, इन्हीं में से आपका पेपर जो है वो बनेगा। ठीक है, ये थी हमारे